Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. बिग बॉस OTT 2 के विनर और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव पर फिर एक बार गाज गिरी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने यूट्यूबर एल्विश यादव को 23 जुलाई को लखनऊ कार्यालय में तलब किया है। ये मामला रेप पार्टी में सांपों के जहर को नशे के रूप में इस्तेमाल करने को लेकर जुड़ा हुआ है। केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में मई 2024 में मुकदमा दर्ज किया था। नोएडा में एल्विश यादव और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद लगातार पुलिस एक्शन मोड में है। अब ED ने नया समन जारी कर एल्विश यादव को लखनऊ तलब किया है। हालांकि एल्विश इन दिनों भारत में नहीं है, वह विदेश यात्रा पर है, लेकिन ED ने उन्हें फौरन जांच में शामिल होने के लिए कहा है। एल्विश यादव को 17 मार्च को नोएडा पुलिस ने पार्टियों में सांप का जहर के इस्तेमाल की जांच के सिलसिले में अरेस्ट किया था। 26 वर्षीय यूट्यूबर एल्विश यादव रियलिटी शो बिग बॉस OTT 2 के विजेता रहे हैं।